स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट हो गया, चलो हाइट पे करते हैं। अच्छा चलो स्टार्ट तो हो गया। हुआ ना? कैसे जरा वाइट दिना? नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं ओके, लाइव ही नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ है, लाइव लाइव लाइव। हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, सुनने में आ रहा है क्या? हेलो गाइस, सुनने में आ रहा है क्या? हाँ आया ना, बराबर है। वापस चालू करो इसको। आज हम लोग थोड़ा सा अलग जगह पे देखेंगे, मतलब हमेशा मैं वो माई पेंट अपना ग्रीन स्क्रीन पे करता हूँ, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन पे करता हूँ। तो मैं हमेशा जो लेक्चर है वो ग्रीन स्क्रीन पे करता हूँ, आज थोड़ा सा वाइट पे अपने नॉर्मल पेंट पे करते, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे करना भी थोड़ा सा अलग ही मज़ा आएगा आज। हाँ लॉकडाउन एक्सटेंडेड है, वो तो एक्सटेंड होना ही है, मुझे तो लगता है कि और एक्सटेंड होगा वो, ठीक है, बराबर इतना ही, ठीक है ठीक। तो हाँ त्रिशा, लेक्चर 6:30 तक नहीं है, आज का लेक्चर थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा, टेंशन मत लो। आज का लेक्चर मैं 6 बजे ही छोड़ दूँगा आपको, आज सिर्फ गॉस लॉ ही करके छोड़ दूँगा मैं, ठीक है। तो 6 बजे में आपका 6 o'clock, ठीक है, 6 o'clock को लेक्चर छोड़ूंगा। ध्यान में रखना वो 5 मिनट लास्ट के जो 5 मिनट करता वो नहीं करूँगा मैं आज, टेंशन मत लो। क्योंकि आजकल आपके लेक्चर्स काफ़ी सारे हो रहे हैं, सुबह आपका मैथ्स का लेक्चर होता है, बायोलॉजी का लेक्चर होता है, सुबह उठते हो आप लोग, फिर पढ़ाई करते हो। शादाब तो बहुत होशियार हो गए, ठीक है। थोड़ा सा और वेट करते हैं और लेक्चर स्टार्ट करते हैं, एक अराउंड 4 to 5 मिनट्स वेट करते हैं। 58 लोग आ चुके हैं, हाँ। खुश, एक्चुअली मैं अभी आज पहले सबको आने दो, फिर मैं डाउट लेक्चर के बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ। डाउट लेक्चर अपना कल या परसों में रख देते हम लोग। मैं डाउट लेक्चर के बारे में बोलता हूँ, थोड़ा सा और लोग को आने दो जरा। हेलो 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 सिद्धि, हेलो अथर्व, एक्चुअली गाइज मैं देखो मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ, मैं लेक्चर जनरली मैं यूट्यूब पे क्यों लेता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे अपने लाइव लेक्चर्स प्रॉपरली सेव हो जाते हैं और वो आप देख सकते हो। हाँ लेकिन बिल्कुल हम लोग डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए करेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन हम लोग करेंगे वो जूम पे करेंगे, ठीक है। और डाउट सॉल्विंग सेशन मैंने ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का लिया है ना मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लिया है, तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहले हम लोग डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे। इसी हफ्ते में मैं उस सेशन को रखूँगा, ठीक है। आज ट्यूसडे है, एक और लेक्चर होने तो थर्सडे को, और उसके बाद हम लोग एक डाउट सॉल्विंग सेशन रख देंगे मोस्टली सैटरडे को, ठीक है, या थर्सडे को डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे और सैटरडे को लेक्चर रखेंगे, दोनों में से कोई भी चीज़ चल सकता है। डाउट सॉल्विंग सेशन हम लोग रखेंगे जूम पे। हेलो यश, हेलो दिव्य, मैं एक बार जस्ट ओके। होमवर्क क्वेश्चन का सॉल्यूशन, होमवर्क क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, होमवर्क क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ, सोल्यूशन जो है वो तुमको ढूंढना है, ठीक है भाई, सोल्यूशन तुमको ढूंढना है।
मैं एक हिंट देता हूँ, देखो हिंट मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना, ये समझने का कोशिश करो, क्योंकि वैसे भी एडवांस का क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करूँगा अपने एक्चुअल लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने ये जो है ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका उसका ये जो इसका आंसर है, ठीक है। फ्लक्स इज दिस, क्यू आपको सोचना है, क्यू आपको सोचना है, ठीक है। ये उस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर था जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था। हाँ, डाउट नट वगैरह मत करो, चुपचाप अपना पहले खुद से सॉल्व करो उस क्वेश्चन को। इसका आंसर मैंने दिया पिछले वाले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका मैंने आंसर दिया है, उसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डाउट सॉल्विंग में करूँगा, ठीक है। और ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ। ये अपने वो माई पेंट सॉफ्टवेयर की तरह नहीं है, ये पेंट अपना नॉर्मल पेंट है, तो इसमें मुझे मैं ज़्यादा ऐसा नीचे ऊपर नहीं लेके जा सकता, और मैं ज़्यादा चीज़ मुझे अलग अलग पेजेस करने पड़ेंगे बाद में। हेलो, नहीं क्यूबॉइड वगैरह मत बना शुभम, कुछ अलग करना पड़ेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बताई थी, मैं जो जो चीज़ें मुझे पता है मैं इसके फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख के रखता हूँ। मुझे फॉर्मूला पता था के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, ये होता है कूलम्बिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को पॉइंट चार्ज की वजह था के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद अपन ने एक लॉ डिफाइन किया था, फिर हम लोग ने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, जो अभी अपने को आज का काम का है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत काम का है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, ये होता है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब ध्यान में रखना ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फिर मैंने आपको पता है फ्लक्स कैलकुलेशन के मेथड्स बताए थे, हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्स, अलग अलग मेथड थे आपको पता है मेथड कैलकुलेशन का, जो फ्लक्स इन इक्वल टू फ्लक्स आउट ये था। फिर उसके बाद फ्लक्स कैलकुलेशन का और एक मेथड क्या था, फ्लक्स कैलकुलेशन का और एक मेथड था, सपोज़ वो नहीं होता है तो गॉस लॉ यूज़ करना है, फिर वो भी नहीं होता तो गॉस लॉ प्लस सॉलिड एंगल यूज़ करना है, वो भी नहीं होता तो फाइनली क्या यूज़ करना है, इंटीग्रेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ध्यान में रखना ये होता है फ्लक्स कैलकुलेशन। अब मैंने आपको मैं गॉस लॉ बताता हूँ, गॉस लॉ क्या बोला था मैंने, मैंने गॉस लॉ बोला था कि ये हो गया चार्ज, मैंने गॉस लॉ ये बताया था चार्ज, चार्ज में से अपना चार्ज अपने बाजू में से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस चार्ज अपने में से निकालता है, राइट। ये होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और मैंने बोला था जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। सो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज था, एंड फ्लक्स इज इक्वल टू इस ये होता है वन बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज, और फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू फ्लक्स इज इक्वल टू होता है चार्ज इनक्लोज, और यही मेरा था गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ का डेफिनेशन हम लोग ने दिया था, और मैंने आपको बोला था गॉस लॉ के दो वो होते हैं, एक होता है फ्लक्स कैलकुलेशन जो पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, और अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं गॉस लॉ को यूज करके, ठीक है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है एप्सिलॉन इनटू फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, इसको लेके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसके पहले एक छोटा सा कुछ कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा आंसर देता हूँ आपको। क्वेश्चन देखो क्या है, सपोज यहाँ पे चार्ज है क्यू वन, यहाँ पे चार्ज है क्यू टू, और यहाँ पे चार्ज है क्यू थ्री, और मैंने यहाँ पे एक इनक्लोज सरफेस बनाया। देखो इनक्लोज सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, उसको हम लोग बोलते हैं गॉशियन सरफेस। तो ये एक मैंने गॉशियन सरफेस बनाया, ये मेरा गॉशियन सरफेस है, ठीक है। और गॉशियन सरफेस में देखो चार्जेस क्या है, क्यू वन एंड क्यू टू है, तो मुझे बताओ इस गॉशियन सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, यहाँ से जो फ्लक्स बाहर आएगा वो कितना आएगा। तो ध्यान में रखना गॉशियन सरफेस कोई भी इनक्लोज थ्री डायमेंशन सरफेस होता है, कोई भी ऐसा थ्री डायमेंशनल सरफेस जो होता है उसको हम गॉशियन सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्यू वन क्यू टू है, तो इनक्लोज
आप यहाँ पे देखोगे तो चार्ज इनक्लोज जो यहाँ पे हुआ, ये चार्ज इनक्लोज यहाँ पे हुआ कौन सा हुआ, Q1 प्लस Q2। ध्यान में रखना इसके सरफेस के अंदर Q3 है नहीं, तो Q3 को हम लेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो फ्लक्स आएगा, तो एप्सिलॉन इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज विच इज़ Q1 प्लस Q2। तो मुझे बताओ इसमें फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा मेरा फ्लक्स का वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने छोटा सा आपको गॉस लॉ का वापस एक बार थोड़ा सा ये दे दिया, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। अब ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, ये उसका सेकंड एप्लीकेशन होता है गॉस लॉ का। मतलब गॉस लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए भी यूज किया जाता है। कैसे? यस, नेट चार्ज फाइंड किया गॉसियन सरफेस के अंदर जो कि Q1 एंड Q2 था ना, तो Q1 प्लस Q2 लिख दिया मैंने, Q इनक्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे सपोज किसी ने Q4 ऐड किया तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 कर दो, ठीक है, सेम ही चीज़ है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन कैसे करोगे। अब गॉस लॉ का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन कैसे होता है, पहले मैं क्या करता हूँ ना, गॉस लॉ लिखता हूँ, क्योंकि गॉस लॉ से ही तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू, मैं पहले लिखता हूँ चार्ज इनक्लोज्ड, ये तो मेरा गॉस ये मेरा गॉस लॉ होता है, इसको तो पहले आपको दिमाग में रख रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म दिख रहा है क्या, यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का तो टर्म ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म आएगा कैसे। देखो फ्लक्स को, देखो फ्लक्स का एक्सप्रेशन देखो, फ्लक्स का एक्सप्रेशन होता है ये। अब मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन को हम इजी कैसे लिख सकते हैं, एकदम इजी मुझे लिखना है, एकदम इजी। तो इसका इजी वर्जन तो ये है, ई डॉट ए वेक्टर, ई इंटू ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। सपोज मैं डायरेक्टली फ्लक्स को लिख पाऊँ तो मेरा सबसे सिंपल केस हो जाएगा वो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, ध्यान में रखना ये एप्लीकेशन है, राइट। तो मैं फ्लक्स को यहाँ पे देखो, इसमें इस फ्लक्स को मैं एप्सिलॉन नॉट इनटू ई इनटू ए लिख पाया, इस फ्लक्स को मैं सीधा ई इनटू ए लिख पाया, तो सबसे सिंपल हो जाएगा मेरा, जिससे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी क्यू, अब क्यू ई मतलब क्यू इनक्लोज्ड, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान में रखना ये मैं ऐसे ब्रैकेट, ये मैं एक्चुअली ये करके लिख देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझ जाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसको पहले आपको नोट डाउन करके रखना है, ठीक है, इसको नोट डाउन करके रखना है। एक काम करो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ऐसा हेडिंग डाल दो आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन हेडिंग डाल दो, जिसमें ये जो तीन पॉइंट्स मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, और फ्लक्स को हम लोग ने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए, पहले इतना लिख दो। अब यश ने क्वेश्चन पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में Q3 कॉन्ट्रीब्यूट करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, और वो कैसे करेगा, क्या करेगा, मैं बताऊंगा तुमको। पहले यहां पे देखो, ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसमें थोड़ा सा मैं इधर लेके जाता हूं, ठीक है, अपने को अभी इधर का काम है। अब यहां पे देखो, हाँ गाइज, कभी की कमेंट मत डालो, अभी कोई कमेंट मत डालो, सिर्फ सुनते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये होता है चार्ज इनक्लोज एप्सिलॉन टू एरिया, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। अब एक काम करना आपको, अब मैं क्या करता हूँ, एकदम सिंपल, मुझे बताओ मैंने जो तीन फॉर्मूलेज डिराइव किए थे, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने जो तीन फॉर्मूलेज डिराइव किए थे, मैं बाद में उसको रिविजिट करूँगा,
आपको याद है मैंने एक तीन फॉर्मूले को डिराइव कर मतलब याद करने के लिए बोला था, मतलब आपको मैंने ये बोला था और मैंने आपको एक रिंग का बोला था, ठीक है? ये दो मैंने फॉर्मूलेज आपको बोले थे कि याद करने को, और ये फॉर्मूलेज की वैल्यू क्या थी, सपोज इसके ऊपर चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, एक पॉइंट पी है जो कि यहाँ पे लेट्स से आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और लेट्स से यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है? तो आपने मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, यहाँ से आपको पहले क्या करना है, आपको पहले एक मिनट, ये पहले मैंने किया, ठीक है? अब मैंने आपको पहले यहाँ पे क्या बोला था, मैंने आपको यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करने को बोला था कुछ इस तरीके से। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद लेट्स से मैंने ये एंगल लिखा थीटा वन, ये एंगल लिखा था थीटा टू। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक परपेंडिकुलर आया था, एक कुछ पैरेलल आया था, पता है वो इसकी वैल्यू कितनी थी, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी, के लैम्बडा बाय आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। आपके बुक में ये फॉर्मूलाज भी लिख के रखो, ठीक है? और ई पैरेलल की वैल्यू कितनी आई थी, के लैम्बडा बाय आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये आया था, ये दो चीज़ें आई थी, राइट? एक फॉर्मूला ये था, और रिंग का फॉर्मूला तो आपको याद है, मैं डिस्क का फॉर्मूला लिखता हूँ। डिस्क का फॉर्मूला क्या था, कोई भी एक डिस्क है, सपोज़ ये डिस्टेंस एक्स है, तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज़ ये ऐसा होता है, मुझे इस पॉइंट पे निकालना था, मुझे इस पॉइंट पी पे मुझे निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो था पी पॉइंट पे वो कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सपोज एंगल थीटा नॉट है, और मैंने आपको बोला था इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, याद रखो, याद नहीं होगा तो अभी याद कर लो, यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बोला था, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थे, एक रिंग का भी मैंने याद रखने को बोला था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, रिंग का के क्यू एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेशियो थ्री बाय टू, ये था, हाँ, और यहाँ पे मॉड आएगा, राइट? ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग देख लो, अब इस केस में मैंने एक केस दी थी, ये केस अपने को अभी गॉस लॉ में काम में आने वाली, केस क्या थी, इफ़ द वायर इज इनफाइनाइट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ग्रीन में यहाँ पे लिखता हूँ, इफ वायर इज इनफाइनाइट, सपोज इनफाइनाइट वायर होगी, वायर सपोज ये जो वायर है इसके ऊपर जो चार्ज है ना ऐसे लैम्बडा वाला, ये वायर सपोज इनफाइनाइट लेंथ की होगी, थीटा वन थीटा टू की वैल्यू क्या होती है, थीटा वन कितना हो जाता है पाई बाय टू, थीटा टू की वैल्यू भी कितनी होती है पाई बाय टू, 90 साइन 90 साइन 90, तो मुझे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आया था वो कितना आया था, टू के लैम्बडा बाय आर, टू के लैम्बडा बाय आर आया था, राइट? और यहाँ पे पाई बाय टू पाई बाय टू, तो ई पैरेलल की वैल्यू कितनी आई थी, जीरो आई थी, किया था ना अपन ने। अब मुझे तो जो ई परपेंडिकुलर यहाँ पे आया था इसको थोड़ा सा प्रॉपर खोल के, के की वैल्यू कितनी होती है, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्बडा डिवाइड बाय आर, बराबर ना? तो यहाँ पे आंसर कितना आया था, लैम्बडा डिवाइड बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है? ये चीज़ दिमाग में रखो, ध्यान में रखना, ये एक्सप्रेशन किसके लिए वैलिड होता है, फॉर इनफाइनाइट वायर, इफ द वायर इज वेरी वेरी लॉन्ग, कुछ ऐसे कुछ बहुत बड़ा वायर है तब, ठीक है? वायर बहुत लॉन्ग होगा तो इस तरीके से होगा, और कोई पैरेलल कंपोनेंट नहीं आएगा, कोई पैरेलल कंपोनेंट नहीं आएगा, ठीक है? और सिमिलरली ये डिस्क भी बहुत बड़ी होगी, इफ डिस्क इज ऑल्सो वेरी लार्ज, इफ डिस्क इज लार्ज, तो मुझे बताओ यहाँ पे थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, पाई बाय टू, थीटा नॉट पाई बाय टू यहाँ पे डाल दो, कॉस पाई बाय टू कितना होता है जीरो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो कितना आया था, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो जो भी मैंने यहाँ पे बॉक्स करके रखा हुआ है अपन इसको रिविजिट करेंगे बाद में, ठीक है? या अभी आप लोग आपके बुक में ये अभी लिखो, ये लिखो, क्योंकि उसके बाद मैं कनेक्ट करने वाला हूँ और फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा वापस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? और ये दोनों चीज़ मैंने किससे निकाली थी, बाय इंटीग्रेशन, तो ये दोनों चीज़ मैंने निकाली थी बाय इंटीग्रेशन, राइट? इंटीग्रेशन से मैंने ये चीज़ डिराइव किया था, तो बाय इंटीग्रेशन से हम लोग ने ये दोनों चीज़ें निकाली थी, ठीक है? अब ये सेम चीज़ हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, वन बाय इंटीग्रेशन और दूसरा बाय यूजिंग गॉस लॉ, और वही गॉस लॉ का एप्लीकेशन है,
ठीक है, तो हम लोग यही देखने वाले आज कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग गॉस लॉ से निकालते हैं। तो ये दोनों जो आज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों हम लोग गॉस लॉ से मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा आज, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं गॉस लॉ पे। इतना देखो, ये दो चीज़ें आप सिर्फ बॉक्स करके लिख दो, दो मिनट में लिखो ये दो चीज़। फॉर ये लिखो, फॉर इन्फाइनाइट वायर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फॉर डिस्क ये होगा, ये जो अपन ने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, सिर्फ इसको लिखना है, ये अपन ने किया हुआ है, तो मैं मतलब वापस वापस प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिख के रखो, क्योंकि मैं इसको वापस रिविजिट कराने वाला हूँ गॉस लॉ में, मतलब इन रिजल्ट्स को अपन याद कराने वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे आते हैं वापस। अब जैसे मैंने बोला कि सबसे पहली चीज़, ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ गॉस लॉ। पहले मैंने गॉस लॉ को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, मैं पहले यहाँ पे गॉस लॉ को यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स को मैंने ई इंटू ए लिखा। ये मैं कब लिख सकता हूँ, मैंने आपको यहाँ पे बोला, इस फ्लक्स को मैं ई इंटू ए सीधा कब लिख सकता हूँ, जब ये सब चीज़ें हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, राइट। तो ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। तो जो फ्लक्स है, जो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, पहली बात। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के अंदर का एंगल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल होने चाहिए, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो ही तो ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। अब मुझे बताओ, सपोज ये चीज़ पॉसिबल है, ख़त्म अमय ख़त्म होगा, ख़त्म थोड़ा टाइम लगेगा, और दो से तीन लेक्चर अपने को लगेंगे, मुझे लगता है दो और लेक्चर लगेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ख़त्म होने के लिए, ठीक है। फिर एडवांस का भी एक वर्जन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो बाद में करवा दूंगा मैं, मतलब वो भी इसमें एडवांस, मतलब मैं करते ही जा रहा हूँ, तो मैं एडवांस का भी शायद से एक लेक्चर, तो शायद से तीन लेक्चर और रख सकता है। फिर इसके बाद आपका फेवरेट चैप्टर रहेगा कैपेसिटर, जो सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर में कोई भी फ़र्क नहीं है, तो करंट एंड कैपेसिटर दोनों एकदम मतलब मिलते जुलते, KCL, KVL, नोड मेथड सब कैपेसिटर में लगता है, तो आपको वापस लगेगा चलो अच्छी कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बार आपका हो जाता है ना, मुझे आपको बताओ, मैग्नेटिज्म भी आपको इजी लगने लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक का सारा इंटीग्रेशन आप कर लोगे तब, तो मैग्नेटिज्म, EMI, AC फिर आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी मेरा पहला क्वेश्चन, मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स से चार्ज क्यू है, सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से देखो, ठीक है। चार्ज क्यू यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। अब मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था, अभी हम लोग गॉस लॉ यूज़ क्यों कर रहे हैं, सेकंड एप्लीकेशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे बताओ, कूलोम ने, मैंने लेट्स से डिस्टेंस आर पे, लेट्स से डिस्टेंस आर है यहाँ पे, इस इधर एक पॉइंट पी है, ठीक है, और मुझे बताओ इस पॉइंट पी पे कूलोम ने पहले ही डिफाइन किया था, कूलोम ने तो इस पॉइंट पी पे पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कितनी थी वैसे कूलोम के हिसाब से, KQ/R², ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी बाय कूलोम, ठीक है, KQ/R² थी। अब मैं क्या करता हूँ, देखो, गॉस एंड कूलोम ये दो अलग अलग लोग थे, गॉस अपना कर रहा था, कूलोम अपना कर रहा था। मैं इसको पहले अभी वापस रब कर देता हूँ, मैं अभी सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। पहले तो एक बात मुझे बताओ, सिर्फ एक मिनट मुझे देखने दो, हाँ ये अलग सर्कल जाएगा, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात, मैं मतलब सर्कल ड्रॉ करके रखता हूँ, ये रुको एक मिनट, मुझे ब्रश इस तरह से सर्कल ड्रॉ करने को आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गाइज पहले तो मुझे एक बात बताओ, सपोज एक चार्ज क्यू मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, गॉस लॉ क्या होता है, मैंने आपको गॉस लॉ से क्या बोला था कि कोई भी मैंने एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाया, कोई भी शेप का, कोई भी इमेजिनरी सरफेस, तो मुझे बताओ यहाँ से कितना फ्लक्स जाने वाला है, यहाँ से जो फ्लक्स निकलने वाला है वो फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, ऐसे लगाते हैं ना हम लोग, और फिर फ्लक्स की वैल्यू कितनी आती है, Q/ε₀। तो ध्यान में रखना, कोई भी गॉसियन सरफेस से हमेशा फ्लक्स कितना जाएगा, Q/ε₀ ही जाएगा, Q
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही फ्लक्स जाएगा ना, सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस चार्ज के बाजू में, ठीक है, एक चार्ज के बाजू में ऐसा, इस चार्ज के बाजू में मैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखो, एक ऐसे सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे इस चार्ज के बाजू में एक ऐसा कुछ एक सर्कल स्फीयर बना दिया। मुझे बताओ इस चार्ज के बाजू में भी स्फीयर है, तो मुझे बताओ इस स्फीयर से भी कितना फ्लक्स जाएगा, सेम कितना भाई, जो मैंने लिखा है उतना ही तो फ्लक्स यहाँ पे भी जाएगा, स्फीयर से भी कितना फ्लक्स जाएगा, इतना ही जाएगा, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। हाँ, लेकिन अब जो स्फीयर था, अब ध्यान में रखना, जो स्फीयर था, इस स्फीयर को थोड़ा सा आप अच्छे से देखोगे तो लेट्स से कोई भी एक पॉइंट लोगे, लेट्स से ये पॉइंट है, मैंने इसके ऊपर एक पॉइंट लिया ये, ठीक है, मुझे बताओ ये पॉइंट लिया पॉइंट पी वन, ये पॉइंट है, तो मुझे बताओ सबका डिस्टेंस सेम है, तो इतना तो गॉस समझ ही सकता है कि एक पॉइंट चार्ज क्यू होगा, पॉइंट चार्ज क्यू के सेम डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे सब जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आउटवर्ड था, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पे क्या था, सेम था, ई ई, इधर भी ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया। अब मुझे बताओ, सबसे पहला चीज़, ये इंटीग्रेशन ईजी होना है, सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए थी अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए था, कॉन्स्टेंट चाहिए था ना। देखो यहाँ पे, फॉर पॉइंट चार्ज, ये हम लोग किसकी बात करें, फॉर पॉइंट चार्ज की बात करें, फॉर पॉइंट चार्ज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, मतलब एक स्फीयर के, स्फीयर के सारे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सेम हो गया। अब मुझे बताओ कोई भी इसका छोटा सा एरिया वेक्टर मैं ड्रॉ करने गया, आप देखोगे यहाँ पे मैं इसका छोटा सा एरिया वेक्टर, ठीक है, मैं यहाँ पे देखो, मैं इसका छोटा सा मैंने एरिया वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश की, मैं एरिया वेक्टर की ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पे सब जगह पे जो इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर जो छोटा एरिया वेक्टर है, अब मुझे बताओ जो एरिया वेक्टर था और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो छोटा एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। देखो अब ये छोटा छोटा एरिया वेक्टर पैरेलल हो गए, तो मुझे बताओ जो फ्लक्स होता है, अब यहाँ पे मैं फ्लक्स लिखूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, ए ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, मतलब क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ऐसा मैं कुछ लिख सकता हूँ, बराबर। अब मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई सब जगह पे कांस्टेंट है, इस स्फीयर में फॉर पॉइंट चार्ज, इस स्फीयर के पूरे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके बाहर निकल आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया दोनों में से एंगल कितना है, जीरो है, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई। तो आप देखोगे इसका ई और कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो, दोनों बाहर आ गए, इंटीग्रेशन किसका हुआ, सिर्फ एरिया का। अब मुझे होता है सारा छोटा छोटा एरिया में ऐड करते जाऊंगा तो मुझे किसका एरिया मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो ध्यान में रखना यहाँ पे मेरा जो ये आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ई इंटू ए, इसका इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या बन जाएगा, ए, और ये हो जाएगा मेरा फ्लक्स। लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पे जो एरिया आएगा, एरिया क्या आएगा, सरफेस एरिया विच इज़ 4πr², इसमें जो एरिया आएगा वो आएगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू आई, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, ई इंटू 4πr², ये आ गया फ्लक्स। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे लॉजिक लगाता हूँ, मैं थोड़ा इधर ही करता हूँ, मतलब आपको दिखेगा। यहाँ पे देखो इस बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे इस बॉक्स में देखो, ठीक है, मैं भी यहाँ पे बताता हूँ क्या हुआ। फॉर पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज के बारे तरह ध्यान से सुनो, इस पॉइंट चार्ज क्यू के बाजू में मैंने एक गॉशियन सरफेस, इमेजिनरी एक स्फीयर बनाया। जैसे ही मैंने इमेजिनरी स्फीयर बनाया और मैंने गॉस लॉ लिख के रखा, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, ये मैंने रखा, तो इस स्फीयर के अंदर चार्ज तो क्यू ही था, लेकिन जो फ्लक्स आया, अब फ्लक्स आया वो कितना है, ई इंटू ए विच इज ई इंटू 4πr² आया। देखो एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू आई ई इंटू 4πr² आया, जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है। क्यों आया ये चीज, हाँ मंदन, ओके। अरे हाँ, वो जूम पे नहीं है ना, मैं अभी जूम पे भी लेक्चर ले रहा हूँ। अरे गाइज थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, ओके ओके।
एक्चुअली जो लास्ट वाला पार्ट है मैं वापस बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स मैं जूम पे भी ले रहा हूँ, तो जूम पे मतलब यूट्यूब पे थोड़ा सा अलग है, जूम पे अलग है। तो इसके पहले मैंने अभी 3 लेक्चर्स लिए और वो सारे के सारे जूम पे लिए, तो प्रॉब्लम क्या है कि मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ जूम पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक्चुअली मैंने क्या बताया, देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया, मैंने बताया कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज के लिए, अब यहाँ पे देखो मैंने पहले तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज क्यू के लिए यहाँ पे मैंने एक स्फीयर को ड्रॉ किया, मैंने पॉइंट चार्ज के लिए एक स्फीयर को ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये जो स्फेरिकल सरफेस है यहाँ पे हम लोग ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन देखा, तो देखो मैं ये वाला पार्ट, ये जो इतना सा पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट मैं यहाँ पे जूम करके लिखता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जूम करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये स्फीयर है, तो स्फीयर का एक छोटा पार्ट है, इसका ये एरिया वेक्टर था जो कुछ इस डायरेक्शन में था, जो एरिया वेक्टर हम लोग बोलेंगे, क्योंकि ये एरिया है ना, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो भी कुछ इस डायरेक्शन में था, जो मैंने यहाँ पे लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से था। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले छोटा फ्लक्स कितना आएगा, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, जो मैं इस तरीके से लिखूंगा, और फिर इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना वो यही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे ये स्फीयर, आप देखोगे इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मतलब इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ऐसा होता है ना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, जिसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, तो कॉस 0 कितना है, यहाँ पे 1 आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका आ गया, इंटीग्रेशन सीधा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए विच इज ई ए, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ई ए। तो जो फ्लक्स आया, अब ई इंटू ए, अब देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, मुझे होता है एरिया ऑफ द स्फीयर कितना हुआ, एरिया ऑफ द स्फीयर हुआ 4πr², इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्लक्स लिखा है ई इंटू 4πr², तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, इंटू 4πr². थोड़ा सा अब इसको देखो यहाँ पे, ठीक है, तब यहाँ पे मैंने जो बॉक्स बनाया एकदम सबसे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, देखो बॉक्स बनाया हुआ है, मैं वापस इसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ, ये बॉक्स में देखो, इस बॉक्स में देखो, इसमें अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो वापस, ये सब कुछ कर क्यों रहा हूं मैं, जो भी यहां पे मैंने जो भी कैलकुलेशन मैंने बताया, आप देखो मैंने आपको क्या बोला था, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग व्हाट, गॉस लॉ। तो मैंने पहले तो अपना गॉस लॉ लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज लिख दिया मैंने। फिर मैंने देखो सेकंड स्टेप क्या लिखी, मैंने सेकंड स्टेप क्या लिखी, एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी आई, ई इंटू 4πr², देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πr² ये आया, और इस पूरे के पूरे स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है, चार्ज है क्यू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, 1/4πε₀, इसको यहाँ पे लेके जाओ, q/r², ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। और मुझे बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो किसके वजह से आया था, ये बेसिकली ये आ गया पॉइंट चार्ज के वजह से, और ये कुलोम्स लॉ ने भी तो यही तो बोला था, कुलोम्स ने भी तो यही बोला था, राइट। तो कुलोम के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही आया, और गॉस के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही आया, ठीक है, कुलोम और गॉस दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, वही तो आया। तो एक काम करते हैं, सब लोग सुनो फटाफट, ये जो चीज़ है मैंने एक बार बताई, मैं वापस एक बार इसको बताता हूँ, और थोड़ा सा फास्ट में, मतलब रिवीजन करने के चक्कर में, और इसको आप इसको लिखोगे, ठीक है, ये मैं एक फर्स्ट करके डालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है, किसके वजह से निकालना है, गॉस लॉ के वजह से, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको आपको लिखना है, ठीक है, मतलब उसको इसको आपके बुक में डालना है। सब लोग ध्यान से सुनो फटाफट, प्रोसेस ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज मुझे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल से मुझे निकालना था, लेट से पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ किया, मतलब सॉरी स्फीयर को ड्रॉ किया। अब स्फीयर को ड्रॉ क्यों किया, क्योंकि
क्योंकि देखो एक चीज, गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर सिमेट्रिक सरफेस. तो पॉइंट चार्ज के लिए सिमेट्रिक सरफेस कौन सा है, क्यूब है, स्फीयर है, ये सारे सिमेट्रिक सरफेसेस है. लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे चीज़ों को इजी करना था. अब एप्सिलॉन नॉट इंटू फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज मेरा गॉस लॉ है. ये कब काम में आएगा, जब मैं फ्लक्स को सीधा ई इंटू ए लिख पाऊँ. ये जो मेरा फ्लक्स है इसको ई इंटू ए सपोज मैंने लिख पाया तो ही मेरा यहाँ पे, मतलब तो ही मेरा यहाँ पे काम आ सकता है, तो ही मेरे को ये काम में आएगा. तो फ्लक्स को ई इंटू ए कब मैं लिखूंगा, आपको पता है फ्लक्स क्या था, फ्लक्स हमेशा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. तो इसके लिए मेरा क्या चीज़ कांस्टेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कब होगा, जब पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पे पॉइंट रहेंगे. तो सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे थे, उनको मैंने कनेक्ट किया, तो मुझे तो कोई भी पॉइंट चार्ज आप इमेजिन करो और कोई भी पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पे एक पॉइंट लो, तो उन सारे पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर लो तो क्या मिल जाएगा, स्फीयर मिल जाएगा. तो ऐसे सारे पॉइंट को मैंने ऐड कनेक्ट किया तो स्फीयर मिल जाएगा. आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहाँ पे मैंने छोटा सा एरिया लिया, तो मैंने छोटा सा एरिया लिया तो इसका भी एरिया वेक्टर कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, बिकॉज एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया. अब इन दोनों के अंदर का एंगल जीरो हो गया. आप देखोगे तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है ई इंटू डी ए हो गया. तो सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई. तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा जो फ्लक्स कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया, तो मेरा जो फ्लक्स कैलकुलेशन इसका इंटीग्रेशन आया, ई डी ए का इंटीग्रेशन, वेयर ई इज कॉन्स्टेंट, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया. तो इसका वैल्यू आया ई इंटू एरिया. अब ऐसे छोटे छोटे सारे एरियाज देखो यहाँ पे, ये एरिया, फिर ये एरिया, फिर ये एरिया, ये छोटे छोटे सारे एरियाज को मैं कनेक्ट करते रहूँगा तो मुझे कंप्लीट एरिया ऑफ द स्फीयर मिलेगा. और जिससे मेरी फ्लक्स की वैल्यू आ गई ई इंटू 4πr². तो ध्यान में रखना, मुझे फ्लक्स ऐसे कैलकुलेट करना पड़ा. जैसे ही मैंने फ्लक्स कैलकुलेट किया, ख़त्म बात. मैं क्या करूँगा, मेरा गॉस लॉ यहाँ पे यूज़ करूँगा. गॉस लॉ क्या था मेरा, गॉस लॉ था मेरा एप्सिलॉन नॉट इंटू फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड. तो अभी मैं गॉसियन सरफेस बनाया स्फेरिकल सरफेस, तो एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स की वैल्यू मैं लिखूंगा ई इंटू 4πr², तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड विच इज क्यू. तो यहाँ पे E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0Q/r². तो ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किससे किया मैंने, गॉस लॉ को यूज़ करके. लेकिन जो गॉस लॉ मैंने यूज़ किया, गॉस लॉ को मैंने ड्रॉ कैसे किया, मतलब गॉस लॉ से यूज़ कैसे, मैंने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया. तो फॉर पॉइंट चार्ज हम लोग को गॉसियन सरफेस कैसे बनाना है, मैं गॉसियन सरफेस बिकम स्फेरिकल सरफेस. तो मैं लिखता नहीं हूँ, इतना समझ में. अब एक काम करो, थोड़ा इतना इतना इस पार्ट को लिख दो, इस पार्ट को फटाफट लिख दो, 2 मिनट में 3 मिनट में. ये थोड़ा मैंने वापस वापस बताया क्योंकि मुझे लगा कि वो कुछ कुछ चीज़ मेरे वो वीडियो और उसके वजह से वो मिस हो गई थी, तो मैंने इसीलिए वापस बताया. अभी मुझे लगता है समझ में आया आपको गाइस. खुश, प्रियन, हस्तांश, समझ में आया? ठीक है, चलो. तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज लिख दो, ये लिख दो फटाफट. हमें थोड़ा सा स्लो जाएगा ही, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग भाई कौन से लेक्चर में तूने आया था, 12:30 वाला कौन सा लेक्चर मेरा, हाँ थोड़ा स्लो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा अभी. ठीक है गाइज, जितने जो लोगों ने वीडियोस वगैरह देखा है उनके लिए स्लो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन मुझे भी क्या है, इधर सब लोग हैं तो मुझे समझ में नहीं आता किसको क्या क्या समझ में आता है. ठीक है, अब सेकंड पार्ट. अब सेकंड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अपन ने देख लिया, आपने लिख भी दिया है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज.
ठीक है, अब ध्यान में रखना लाइन चार्ज मतलब यहाँ पे अपने को इन्फाइनाइट लाइन चार्ज ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे अभी इन्फाइनाइट लाइन चार्ज ड्रॉ करता हूँ, देखो कुछ इस तरीके से। अब ये हो गया मेरा इन्फाइनाइट लाइन चार्ज जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा दी हुई है, ठीक है। अब एक काम करो, मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ। मुझे बताओ यहाँ पे क्या था, ये जब चार्ज लाइन चार्ज इन्फाइनाइट था तो मुझे बताओ यहाँ पे बाय इंटीग्रेशन अब का आंसर कितना आया था। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन मेरा आंसर कितना आया था, याद रखो, ये आंसर याद रखो, लैम्ब्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये मेरा आंसर आया था ई परपेंडिकुलर। और ई पैरेलल की वैल्यू कितनी आई थी, जीरो। तो ई पैरेलल था ही नहीं, ई परपेंडिकुलर था। ई पैरेलल जीरो था, ई परपेंडिकुलर ए था फॉर इन्फाइनाइट चार्ज। चलो अब इसको यूज करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब फॉर इन्फाइनाइट चार्ज, अब इन्फाइनाइट चार्ज कुछ इस तरीके से है। तो अब ध्यान में रखना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट, मैंने जैसे एक पॉइंट P लिया जो डिस्टेंस R पे लिया। अब ये जो पॉइंट है, एक मिनट वही लेता हूँ, एक पॉइंट P लेता हूँ जो लेट्स से डिस्टेंस R पे मैं लेता हूँ। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आएगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा क्योंकि इन्फाइनाइट चार्ज है भाई। इन्फाइनाइट लाइन होगी तो हर एक पॉइंट मिड पॉइंट ही होगा। मुझे बताओ इसके ऊपर वाला पॉइंट के भी ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे गया, ये भी तो पॉइंट मिड पॉइंट है क्योंकि इन्फाइनाइट है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेम डिस्टेंस आर पे। अब मुझे बताओ इस एक लाइन चार्ज आप इमेजिन करो और उन उधर से सब सेम डिस्टेंस पे आर पॉइंट लो, तो क्या बन जाएगा अपने को, आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, क्या बन रहा होगा यहाँ पे, ऐसा कुछ दिखेगा ना, ये सर्कल दिखेगा ना। लेकिन आप थोड़ा सा और देखोगे तो ये सर्कल नहीं है, क्या दिखेगा, एक पूरा का पूरा क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके से सिलेंडर। तो ध्यान में रखना, मैं अभी एक गॉशियन सरफेस बनाऊंगा, वो सिलेंड्रिकल गॉशियन सरफेस बनाऊंगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, सेम डिस्टेंस है, इधर से भी डिस्टेंस कितना है, आर ही है। तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह पे कितनी होगी, ई होगी। अब मैंने, क्योंकि मैंने क्या बोला था, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, फ्लक्स कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, ईजी। मैं फ्लक्स को सिंपली क्या लिख पाऊँ, ई इंटू ए लिख पाऊँ तो ही तो काम आता है। अब यहाँ पे देखो ई इंटू ए लिख पाऊँगा, क्यों लिख पाऊँगा, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करके देखोगे तो यहाँ पे देखो छोटा जो डी ए वैक्टर है वो डी ए वैक्टर भी इसी डायरेक्शन में है सिलेंडर में, ठीक है। अब डी ए वैक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये डी ए वैक्टर है, ये ई वैक्टर है, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फी वैक्टर, ई वैक्टर एंड डी ए वैक्टर, इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है। तो ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डी ए, ई डी ए का इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं, तो ई डी ए का इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ई इंटू एरिया, एरिया ऑफ क्या आएगा, एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ऐसा पकड़ लो इसका रेडियस आर है और इसकी लेंथ सिलेंडर की सपोज एल है, तो मुझे बताओ यहाँ पे सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है, जो सिलेंड्रिकल गॉशियन सरफेस बनाया है, ध्यान में रखना ये सिलेंड्रिकल गॉशियन सरफेस का एरिया कितना है, सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर इंटू एल, तो ये हो जाएगा मेरा फ्लक्स। तो ध्यान में रखना मेरा फ्लक्स ये हो जाएगा, तो सिंपल इसको यूज़ कर लो यहाँ पे। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। अब मुझे तो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, तो देखो इस सिलेंडर के अंदर सिर्फ इतना ही चार्ज है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना अभी, यहाँ पे ये चार्ज है। अब इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा है, लेंथ एल है, तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, तो इस चार्ज क्यू इनक्लोज की वैल्यू आ जाएगी लैम्ब्डा इंटू एल, तो क्यू इनक्लोज हो जाएगा लैम्ब्डा इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एल और एल कैंसिल हो गया। हाँ निखिल, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, क्यों नहीं, क्यों छोड़ा मैंने निखिल, मतलब उसमें वो मेरे दोस्त थे तो मैं एक्चुअली उनके लिए ऐसे ही लेक्चर लेता था, ठीक है, मैं बात करूँगा बाद में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू टू पाई आर इंटू लैम्ब्डा एल, एल कट हो गया, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, लैम्ब्डा डिवाइड बाई कितना आया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। थोड़ा मुझे बताओ, हम लोग ने इंटीग्रेशन से भी यही रिजल्ट निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर, क्या सिलेंड्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग लाइन चार्ज कितना था, इतना ही तो था, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब गॉस लॉ कब यूज करते हैं, व्हेन फ्लक्स कैलकुलेशन इज इजी। फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए इंटीग्रेशन को अवॉइड करना है, तो उस तरीके से अपने को गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा,
जैसे कि फॉर लाइन चार्ज गॉसियन सरफेस इज व्हाट, सिलेंडर, दिख रहा है ना आपको, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पे देखो कांस्टेंट हो रहा है, तो इसलिए सिलेंडर बन गया। तो सिलेंडर से मैंने कर दिया यहाँ पे ई इंटू टू पाई आर एल हो गया, ये फटाफट हो गया आपका, लिख दो इसको दो मिनट में। ठीक है गाइज, ऑलमोस्ट आपका ये भी हो चुका है। अब मैं एक्चुअली काम करता हूँ, थर्ड पे जाता हूँ, लेकिन थर्ड के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज आपने लिख दिया यहाँ पे, हेलो सिद्धार्थ, अभी थोड़ा सा लेक्चर चला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फटाफट फटाफट इस चीज़ को पहले लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज को, आई होप आपने लिख के रखा होगा। और ये सारा मैंने आपको वीडियोस में भी देखने को बोला था, तो मैं जैसे रिवीजन ही हो रहा है आपका। चलो मैं अभी आगे के इसमें जाता हूँ, मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सेकंड है। अब हम लोग अब देखो, सपोज अब थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आप सब लोग करोगे। लेट्स से रुको, यहाँ ये चार्ज मतलब क्या, इसके ऊपर पूरे के पूरे सब जगह पे यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे चार्ज है। देखो यहाँ पे चार्ज पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये चार्ज स्फीयर है, इसका क्यू है, और इसका जो रेडियस है वो चार्ज इसके ऊपर क्यू है और रेडियस आर है, ठीक है। अब बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वन, लेट्स से विच इज़ एट डिस्टेंस आर वन, ठीक है। एक पॉइंट पी वन है जो आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, और एक पॉइंट पी टू है जो भी आर डिस्टेंस पे है, लेकिन एक में आर P1 क्या है, when R is greater than R, और जो P2 पॉइंट है, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, जो P1 पॉइंट है जिसमें R क्या है, लेस देन R है, ठीक है, और P2 जो पॉइंट है वो कहाँ पे, when R is greater than R, इन दोनों पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P1 पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P2 पे, दोनों जगह पे आपको निकालना है। कैसे करोगे, इजी क्या होगा, पहले ध्यान में रखना, मैंने आपको क्या बोला था, पहले तो गॉस लॉ लिखना है, पहले भाई कुछ भी करके पहला अपना रॉ क्या है भाई, गॉस लॉ लिख दो, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, पहले ये गॉस लॉ लिखो, ठीक है। मैं भी फाइंड आउट करता हूँ पॉइंट पी टू के लिए, ये पॉइंट पी टू के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पी टू के लिए। अब पॉइंट पी टू थोड़ा सा ईजी है, क्यों, देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, अब मुझे होता चार्ज स्फीयर है ना, तो चार्ज फेयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो भी कैसे आएगा, आउटवर्ड आएगा ऐसे, तो वो तो पॉइंट चार्ज की तरह ही फील्ड होगा ना, मतलब पूरा थ्री डायमेंशन में रहेगा। तो मुझे बताओ ऐसे चीज के लिए अपन जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो गॉसियन सरफेस कैसे बनाते हैं, तो पॉइंट पी टू के बाजू में जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कॉन्सेप्ट बनेगा, स्फेरिकल बनेगा ना ऐसे, तो ऐसा स्फेरिकल सरफेस बना दो। अब सपोज एक स्फेरिकल सरफेस बना दिया और यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ई लिया, और मुझे पता है कि एरिया वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या होगा, डी ए वेक्टर होगा। तो देखो यहाँ पे सेम चीज़ हो गई, सेम टाइप का चीज़ हो गया, मतलब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर भी क्या हो गया, डी ए हो गया। भाई इसका तो अपन इंटीग्रेशन किया हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा। मुझे बताओ यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा और फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखूँगा, तो फ्लक्स इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर में करूँगा, तो इसमें जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, ई इंटू एरिया ऑफ स्फीयर विच इज़ 4 पाई आर स्क्वेयर, ये आएगा सीधा। तो फ्लक्स तो मेरा सीधा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर आ गया।
अब मुझे होता है इसके अंदर चार्ज इनक्लोज कितना है, चार्ज इनक्लोज टोटल क्यू है, पूरा का पूरा चार्ज क्यू इनक्लोज है इसके अंदर। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो तो सीधा आया, देखो यहाँ पे क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। सिंपल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया किस पॉइंट के लिए, यहाँ पे पॉइंट कौन सा था, पॉइंट पी वन विच इज आर लेस देन आर के लिए, सॉरी पॉइंट पी टू, पॉइंट पी टू वेयर आर इज ग्रेटर देन आर। तो बाहर के पॉइंट के लिए आप एक्चुअली देखोगे, फॉर देखो ये पूरा चार्ज स्फीयर है जो बड़ा सा है, तो बाहर के पॉइंट के लिए, बाहर के पॉइंट के लिए स्फेरिकल चार्ज बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट द सेंटर, ठीक है। तो कुछ सेंटर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट टाइप दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यूज़ मत करो, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ चार्ज अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फॉर पॉइंट पी टू, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर पॉइंट पी टू तो हो गया, फॉर पॉइंट पी वन, पी वन पॉइंट कहाँ पे, पी वन पॉइंट के लिए आर इज वॉट लेस देन आर। अब वापस यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर भी मुझे जो बेसिकली जो ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब मुझे जो गॉशियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा वो तो स्फेरिकली होगा, देखो यहाँ पे मैं स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन अभी अंदर होगा। अब देखो ध्यान में रखना, ये स्फेरिकल सरफेस जो है, मैं गॉस लॉ लिख दूंगा, तो गॉस लॉ क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज्ड मतलब क्या होता है, चार्ज इनक्लोज इन द गॉशियन सरफेस। मुझे बताओ इस गॉशियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज हुआ वो तो सिर्फ इतना ही, हाँ देखो मैं यहाँ पे जो ब्लू में कर रहा हूँ, दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड। यहाँ पे वापस अब फ्लक्स कैलकुलेट वापस मुझे इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा एप्सिलॉन नॉट इनटू ई इनटू 4πr² इधर तो लिख ही दूंगा सीधा, बट मैं चार्ज इनक्लोज सीधा नहीं लिख सकता क्योंकि चार्ज इनक्लोज इज नॉट क्यू, क्यू नहीं है, चार्ज इनक्लोज को मैं सीधा क्यू नहीं लिख सकता, क्यू तो टोटल चार्ज है तो मैं इसको क्यू नहीं लिखूंगा। फिर मैं अपना थोड़ा सा छोटा सा मैथमेटिक्स जो भगवान ने दिया है उसको यूज़ करूँगा, क्या मेरा मैथमेटिक्स था, टोटल चार्ज क्यू, मैं यहाँ पे बॉक्स में लिख, नहीं एक मिनट, इधर नहीं इधर लिखता हूँ, इधर बॉक्स में उस मैथमेटिक्स को यहाँ पे लिख के रखता हूँ, ठीक है। ये मैथमेटिक्स देखो क्या है, मेरा टोटल चार्ज क्यू, मेरा जो टोटल चार्ज क्यू था वो कितने वॉल्यूम पे था, 4/3πr³ वॉल्यूम पे था, तो मेरा जो स्मॉल चार्ज क्यू, जो क्यू इनक्लोज्ड है वो कितने वॉल्यूम पे, 4/3πr³ वॉल्यूम पे। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, में क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, जो चार्ज इनक्लोज आएगा वो क्या आएगा, क्यू इंटू 4/3πr³ डिवाइड बाई 4/3πr³, ठीक है। अब इसको ना दो तरीके के लोग आंसर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी क्या करते हैं, 4/3π कैंसिल हो गया, तो आप पता है 4/3π कैंसिल हो गया, तो आप डायरेक्टली चार्ज इनक्लोज को देखो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ये लिख सकते हैं ना, क्यू इंटू आर क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 4/3π 4/3 क्या है, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ इस केस में फिर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर और आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ आर बचा, तो मेरे की यहाँ पे वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की 1/4π ε₀, ठीक है, क्यू यहाँ पे आर आया डिवाइड बाय आर क्यूब आया, ठीक है। और इसी को हम लोग के क्यू आर डिवाइड बाय आर क्यूब भी डायरेक्टली बोल सकते हैं, के क्यू आर डिवाइड बाय आर क्यूब, मतलब यहाँ पे देखो ये चीज़ आ गया, ठीक है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं पता है, कुछ कुछ लोग यहाँ पे सब लोग देखो, कुछ कुछ लोग मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे ये चीज़ दिया रहता है, कभी कभी यहाँ पे ना दिया रहता है सर्फ डेंसिटी दिया रहता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया रहता है। नाउ व्हाट इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कभी कभी ये भी दिया रहता है। तो मतलब पता है आपको क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या, क्यू डिवाइड बाई 4/3πr³, इसकी वैल्यू दी रहती है, और इसकी वैल्यू मैंने क्या दी यहाँ पे, डेंसिटी दी, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर Q इनक्लोज कितना है, Q इनक्लोज को हम लोग डेंसिटी इंटू 4/3πr³ ये भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो Q इनक्लोज को दो तरीके होते हैं, तो कभी कभी ये सेम जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से लोग भी लिखते हैं, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड एक्सप्रेशन,
एप्सिलॉन नॉट ई 4πr² इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज जो है, चार्ज इनक्लोज की जगह अपन क्या लिखूंगा, डेंसिटी 4/3πr³। यहाँ पे 4π कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, r² r बचा यहाँ पे, डेंसिटी r डिवाइड बाय 3ε₀। देखो तो ये दो फॉर्मूलेज बनते हैं, कभी कभी क्या है ये दोनों के दोनों अपने को यूज़ हो जाते हैं। मैं यहाँ पे जो ये कर रहा हूँ KQ r/r, ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज़ है, गाइस ये सब आ गया, वापस आ गया है, चार्जर लेने गया था मैं। चलो एक काम करो, पहले इतना लिख दो, इस चीज को लिख दो पहले, गाइस चालू हो चुका है, चालू हो चुका है, वापस देख लो। ठीक है तो गाइस यहाँ पे सब लोग देख लो, तो यहाँ पे अभी सब लोग फटाफट देख लो कि ये तो मेरा हो गया, ये आपने सपोज लिख के भी हो गया, ठीक है। कुछ लोग क्या पूछते हैं कि इसी का ग्राफ बनाने को बोलते हैं। यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का मुझे ग्राफ बनाना है। जैसे मैंने बोला सपोज पॉइंट अंदर रहेगा, ई इज आर लेस देन आर, ठीक है, तो आर लेस देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, KQ r/r³। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी, KQ r डिवाइड बाय क्या था, r³। अब यहाँ पे देखोगे ये सारा चीज़ कांस्टेंट है, राइट, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब ये क्या आया है, सपोज सम कांस्टेंट सी इंटू आर, मतलब वाई इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन बनी ना, तो आप देखोगे यहाँ पे y इज इक्वल टू mx टाइप, मतलब क्या कुछ ये डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन आएगी, किधर तक आएगी, ये स्ट्रेट लाइन आएगी फॉर r लेस देन r के लिए, ठीक है। और जब r की वैल्यू r हो जाएगी तो यहाँ पे मुझे पता इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ पे r की वैल्यू r डाल दो, स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल r डाल दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा KQ डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, r², ठीक है। और उसके बाद ये कांस्टेंट है सी, ठीक है। इसके बाद आर ले ग्रेटर देन आर के लिए, आर ग्रेटर देन आर के लिए मेरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये होता है हाइपरबोला कुछ इस तरीके से,
मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हाइपरबोला टाइप का शेप दिखता है. तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय मतलब इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर. तो यहाँ पे ऐसा और ऐसा, तो इस तरीके से कुछ अपना ग्राफ भी मिलेगा राइट. ये ग्राफ हो जाता है जो जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया. अब मुझे बताओ ये पूरा का पूरा मैंने किसके लिए किया? ये मैंने किया चार्ज स्फीयर के लिए. अब मैं आपको इसी के ऊपर एक छोटा क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं मतलब ये मैं अभी दो चीज़ें बता रहा हूँ और उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, अपन क्वेश्चंस करेंगे एचसी वर्मा के. एचसी वर्मा सबके पास है ना, तो अपन एचसी वर्मा के क्वेश्चंस करेंगे. अभी हम लोग इस चीज़ के बाद हम लोग एचसी वर्मा के क्वेश्चन चालू करेंगे अपने गॉस लॉ के इधर के. अब ये चार्ज था, अब इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्फीयर. जो पिछले वाला जो पार्ट था उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज सॉलिड स्फीयर. अब हम लोग बोलते हैं यहाँ पे होगा लेट्स से चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. सपोज मैंने बोला कि एक स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल के लिए क्या होगा? मतलब मैंने यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल को ड्रॉ करता हूँ मैं कुछ इस तरीके से. ये अपना स्फेरिकल शेल है. यहाँ पे स्फेरिकल शेल का मतलब होता है चार्ज सिर्फ सरफेस पे कुछ इस तरीके से. ये सिर्फ इधर ही चार्ज है और यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू होगी वो हो जाएगी क्यू और लेट्स से इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा आर. ठीक है, तो ये चार्ज क्यू है और रेडियस आर है. अब बोला ये चार्ज स्फेरिकल शेल है, मतलब इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है. देखो ना यहाँ पे फर्क क्या था, यहाँ पे पूरा का पूरा अंदर भी चार्ज था, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्फीयर. और यहाँ पे क्या था? स्फेरिकल शेल. शेल मतलब अंदर कोई भी चार्ज नहीं है. तो पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे दो पॉइंट, वापस यहाँ पे एक पॉइंट पी वन अंदर था और एक पॉइंट पी टू बाहर था, इन दोनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? देखो यहाँ पे ना सबसे इजी कौन सा है पता है? सबसे इजी अंदर का. आप अंदर गॉशियन सरफेस बनाओगे, आप स्फेरिकल ऐसे गॉशियन सरफेस बनाओगे. लेट्स से मैं एक स्फेरिकल गॉशियन सरफेस बनाता हूँ ऐसे अंदर, तो आप स्फेरिकल गॉशियन सरफेस में बनाया रेडियस आर का. अब देखो कि यहाँ पे कोई चार्ज इनक्लोज ही नहीं है, तो यहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज है, चार्ज इनक्लोज की वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो. तो पहले मैं देखता हूँ पहला वाला आर लेस देन आर. ठीक है, आर लेस देन आर के लिए मतलब फॉर पॉइंट पी वन के लिए आप देखोगे एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज में लिखूंगा और फिर एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू लिखूंगा ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे चार्ज इनक्लोज इस गॉशियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? जीरो. सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो. अब हम लोग देखते हैं फॉर पॉइंट आउटसाइड, मतलब वेन आर इज ग्रेटर देन आर. ठीक है, आर इज ग्रेटर देन आर. आर इज ग्रेटर देन आर के लिए क्या होगा? तो जो पॉइंट पी टू के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा? मैं यहाँ पे गॉशियन सरफेस कुछ ऐसे बना दूंगा. अब यहाँ पे मैंने सपोज गॉशियन सरफेस कुछ ऐसे बनाया, अब यहाँ पे क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड. अब फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? फ्लक्स की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू फ्लक्स कितना हो जाएगा? फोर पाई आर स्क्वायर, बराबर ना? ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा फ्लक्स. और चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज क्यू. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर. मतलब चार्ज मतलब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और यहाँ पे जीरो. तो इसमें ग्राफ भी मैं प्लॉट करूंगा, तो यहाँ पे इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूंगा. तो इसके लिए ग्राफ कैसे दिखेगा? देखो यहाँ पे ई वर्सेस आर का मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो रेडियस आर इज इक्वल टू आर तक, मतलब पूरे स्फीयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो. तो ये कुछ ऐसा जीरो दिखेगा. और उसके बाद बाहर मतलब आर के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट. ये पॉइंट आउटसाइड है, ये पॉइंट अंदर का है. अंदर जीरो है और बाहर इतना है जो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया. तो ये ग्राफ आएगा फॉर चार्ज स्फेरिकल शेल. कोई दिक्कत है? चार्ज स्फेरिकल शेल भी आपको समझ में आ चुका है. चलो अब जितना मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा उसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ. इसको भी आपको चाहिए तो इसको भी लिख दो फटाफट, या फिर आप मतलब वीडियो तो ये लाइव रहेगा ही रहेगा, उसको भी आप बाद में देख सकते हो.
हाँ शुभम, तेरा जो क्वेश्चन था इन सॉलिड स्फीयर फॉर पॉइंट इनसाइड, देखो सिंपल सी बात है, ये जो हम लोग कर रहे हैं गॉसियन सरफेस के हिसाब से कर रहे हैं, ये हम लोग जो कर रहे हैं वो गॉसियन सरफेस के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान में रखना गॉसियन सरफेस के हिसाब से चार्ज इनक्लोज, मुझे बताओ जो तेरे को गॉसियन सरफेस का तो समझ में आया, मतलब जब मैं एप्सिलॉन इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज लिखता हूँ तो चार्ज इनक्लोज का मतलब क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज ना, तो उसके हिसाब से तो मैंने जो किया वो समझ में आया। देखो वो इफेक्ट करेगा नहीं करेगा अलग बात है, ठीक है, वो तो तू किसके हिसाब से सोच रहा है, तो इंटीग्रेशन के हिसाब से सोच रहा है, तू क्या सोच रहा है ये पूरा चार्ज स्फीयर है गॉसियन सरफेस तो इतना ही है, बाहर का चार्ज भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डालेगा, यस डालेगा, लेकिन वो एक दूसरे को सबको कैंसिल करने वाला है, तो इंटीग्रेशन करके देखेगा, ठीक है। ये समझ में आपको इतना समझ है, यहाँ पे देखो जो शुभम ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ये वाला चार्ज है ना पूरा, ये वाला चार्ज मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज, इस चार्ज के वजह से हम लोग अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने गए ना, आप इंटीग्रेशन करो, इन सारे चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो जाएगा बाय इंटीग्रेशन, लेकिन वो टीडीएस इंटीग्रेशन है, ठीक है, लेकिन करके देखो आपको समझ में आएगा, लेकिन क्यों इतना दिमाग लगाना है तुमको, डायरेक्टली गॉसियन सरफेस लगाओ, गॉसियन सरफेस लगाओ आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पहले तो मुझे होता है इतना जो मैंने बताया वो समझ में आया, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन है जो आपके लिए, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे जो मैंने यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं ना, देखो यहां पे सिर्फ उधर ही चार्ज है, इधर ही चार्ज है, इसका इनर रेडियस है r, इसका आउटर रेडियस है 2r, और जो टोटल चार्ज है यहां पे, ये चार्ज दिया है q, टोटल चार्ज दिया है q, ठीक है, जो ये पूरा स्फीयर है, ठीक है, दोनों स्फीयर है। अब मुझे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड दो पॉइंट पे, एक पॉइंट P1 है और एक पॉइंट P2 है, पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है जो कि 3R बाय 2 डिस्टेंस पे है, और एक पॉइंट P2 है जो कि 2R डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P1 पे और P2 पे कितना होगा ये पूछा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ आंसर चाहिए के क्यू बाय समथिंग, के क्यू बाय आर स्क्वायर वगैरह जो भी होगा ना, जो भी आंसर निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी वन पूछा है, पी टू पूछा है, ध्यान में रखना अंदर वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस है आर, बाहर वाला है टू आर, लेकिन चार्ज सिर्फ इस आर एंड टू आर के अंदर है, मतलब ये शेल टाइप है, लेकिन ध्यान में रखना ये पूरा शेल भी नहीं है, ये भरा हुआ शेल है, ठीक है, ये अंदर का होलो स्फीयर है, बाहर का टोटल है, तो इसमें मुझे पॉइंट P1 पे एंड P2 पे दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ये डिस्टेंस 3R बाय 2 है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P1 है ना, यहाँ पे R की वैल्यू 3R बाय 2 है, और सेकंड में R की वैल्यू दी है 2R, बताओ कि क्या होगा आंसर, निकालो, सॉरी 2R नहीं, सॉरी 3R, हाँ सुरेश, P2 पे तो डायरेक्ट आ जाएगा, P2 पे पूरा आ जाएगा क्योंकि गॉसियन सरफेस लगाएंगे, P2 पे डायरेक्ट आएगा, P1 पे एक्चुअल मतलब P1 पे पूछो, P1 पे भी निकालो, निकालो पहले निकालो तुम लोग, फिर उसके बाद देखेंगे अपन, और निकालो और आंसर बताओ,
भाई आया किसी का पीवन पे आ रहा है किसी का? टाइम दू या अभी निकालू आंसर? ठीक है बताओ कितना है। पीवन पे देखो बताओ कितना है, इलेक्ट्रिक फील एट पॉइंट पीवन कितना आया? हिंडमाई का कुछ आया हुआ है, देखते हैं कि क्या आता है। खुश का कुछ आया हुआ है, ठीक है खुश का आया है। के क्यू 27/8 आर स्क्वायर देखते हैं। ठीक है चलो देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। अब मुझे पहले तो मुझे बताओ, देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था फर्स्ट, तो पॉइंट पी टू के लिए गॉस लॉ कैसे रहेगा? गॉस लॉ एकदम सिंपल, देखो पॉइंट पी टू तो एकदम मस्त है अपना, कुछ नहीं है, डायरेक्टली ऐसा गॉसियन सरफेस बना दो। आपको पता है पॉइंट पी टू के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, फॉर पॉइंट पी टू यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज है क्यू, और फ्लक्स क्या होता है? देखो यहाँ पे गॉसियन सरफेस ना स्फेरिकल है, तो अभी याद रख लो स्फेरिकल होगा तो ई इंटू 4πr² कर देने का सीधा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ई इंटू 4πr², चार्ज इनक्लोज की वैल्यू कितनी क्यू, तो ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे आई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड आर की, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 3R, तो यहाँ पे आएगा 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई 3R2। 3R2 कितना आता है 9R² ना, हाँ तो 1/4π मतलब अपन डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर लिख देंगे के क्यू डिवाइड बाई, मतलब इसको के लिख दो, के क्यू डिवाइड बाई 9R², ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई 9R². वॉट अबाउट पॉइंट P1? अब ध्यान में रखना है यहाँ पे P1 के लिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ। P1 के लिए मेरा गॉसियन सरफेस, थोड़ा ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और गाइज
नीट में बहुत ही ज़्यादा हायर डिफिकल्टी लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जितना इसकी एक्चुअल में डिफिकल्टी लेवल इतनी है नहीं, उसके बाद भी क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व होता है, इसलिए नीट में थोड़ा सा अपर लेवल पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज इनक्लोज ना सिर्फ इतना ही है, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया देखो ब्लू लाइन में, ये हो गया चार्ज इनक्लोज मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर। तो मैं सपोज इसको लगाना चाहूँ, एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू, सपोज मैं चार्ज इनक्लोज लगाऊँ, ठीक है, मैं चार्ज इनक्लोज को अभी ठीक है इनक्लोज ऐसा लिख देता हूँ, तो मुझे पता है एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स की वैल्यू ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, ठीक है। और ध्यान में रखना आर की वैल्यू यहाँ पे है कितनी, यहाँ पे आर की वैल्यू है 3R/2, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 3R/2 में डालूंगा। लेकिन देखो क्यू इनक्लोज, चार्ज इनक्लोज के लिए ना मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको पता है चार्ज इनक्लोज ये थोड़ा सा ना बड़ा सा मुझे कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है चार्ज इनक्लोज क्यू, जो टोटल चार्ज इनक्लोज है क्यू, वो कितने वॉल्यूम पे है, 4/3 pi, आपको पता है कितने वॉल्यूम पे है, 4/3 pi, कितना वॉल्यूम है देखो 4/3 pi, ए 2R³ - R³, देखो 2R³ - R³, देखो ये समझना आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वॉल्यूम है जो मैंने यहाँ पे जो वॉल्यूम लिया था ना टोटल चार्ज q, ये पूरा वॉल्यूम पे नहीं है, ये इतने ही वॉल्यूम पे है, ठीक है। तो मुझे बताओ जो चार्ज इनक्लोज है वो कितने वॉल्यूम पे रहेगा, वो रहेगा 4/3 pi, अब 2R की जगह वो कितना आया 3R/2, थ्रो 3R/2³, जिसका मैथ्स अच्छा होगा ये फटाफट इसको समझ में आएगा मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज्ड आया, इसलिए मैं बोल रहा कि ये इस टाइप के क्वेश्चन किस में आते हैं, जेई मेंस के अच्छे लेवल पे, जेई एडवांस में आते हैं, क्योंकि इसमें मैथ्स इन्वॉल्व होते हैं। अब 4/3 कैंसिल हो गया, तो क्यू इंटू इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, थोड़ा सा ये कैलकुलेट करोगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, ये एक मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये वाला पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 7R³, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी कितनी 3³ - 8, तो कितना आएगा 27 - 8 कितना हुआ 19, राइट। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा 19/8 ऐसा कुछ आता है R³, देखो जरा कैलकुलेट करके देखो 19/8 R³ आता है, ठीक है। तो ये 19/8 R³ आता है, एक मिनट आप क्या कमेंट कर रहे हो वो भी देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। हाँ 19/8 R³ आ रहा है, तो 19/8 R³ आ रहा है, तो मुझे बताओ यहाँ पे चार्ज इनक्लोज की वैल्यू कितनी रहेगी, चार्ज इनक्लोज की वैल्यू कितनी रहेगी, Q इंटू 19/8 R³ डिवाइड बाय 7R³, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, देखो ऐसे आता है। तो यहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज आएगा, यहाँ पे R³ कैंसिल हो गया, ठीक है, जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे, देखो चार्ज की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19/56 Q, हॅलो सर माझं, हां 10:30 ठेवा माझं एक, हां लेक्चर चालू मी तुम्हाला करतो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, ये सबका आ रहा है क्या, मैं जो बोल रहा हूँ ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इतना, जो चार्ज इनक्लोज, देखो मैंने जो चार्ज इनक्लोज की वैल्यू निकालनी है ना, ये मैथमेटिकली आपको निकालनी पड़ेगी वॉल्यूम वगैरह फॉर्मूला से, ठीक है। बस इसके बाद फिर आर की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 3R/2 डाल दो यहाँ पे बस। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे जो 4πε₀ को एक साथ कर लो, के कर लो, तो मैं के इंटू ई कर लेता हूँ आर, एक मिनट लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ε₀ इंटू ई इंटू 4πR², यहाँ पे आर की वैल्यू 3R/2² डाल दो, ठीक है, और 19/56 × Q कर लो। अब यहाँ पे देखो बहुत घटिया सा कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/4 पाई, उधर लेके जाएंगे तो के, ठीक है, और यहाँ पे इंटू 4 कर लो, 19 × 4 एंड 56 × 9, ऐसा कुछ आंसर आएगा, बहुत ही घटिया सा आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आगे सॉल्व करो और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। आपको मेथड समझ में आया? ठीक है, तो मेथड समझ में आया तो अच्छी बात है। अब हम लोग एक, मैं आपको एक नॉर्मल वाला यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर है, देखो ये, इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं मतलब इसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली इसी के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता है मैंने आपको एक मतलब लार्ज वो डिस्क का मैंने बताया था, आपको पता है वो डिस्क का क्वेश्चन था, उसमें सिग्मा बाई 2 ε₀ क्वेश्चन एक आंसर आया था, ठीक है। अब वही है, अब ऐसा पकड़ लो कि एक बहुत बड़ा सा प्लेट है, देखो ये जो प्लेट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये प्लेट ऐसे बहुत बड़ा सा प्लेट है, बहुत बड़ा सा, ऐसा बहुत बड़ा सा प्लेट है और एकदम थीन प्लेट है, ये जो है ना ये एकदम थीन प्लेट है। अब ये थीन प्लेट है मतलब क्या, ये ऐसा बहुत बड़ा सा ऐसा थीन प्लेट है। देखो मैं कैसे देख रहा हूँ इस प्लेट को, मैं कुछ इस तरीके से अभी ड्रॉ किया हुआ है, तो ऐसा बहुत बड़ा सा प्लेट है, ऐसा पकड़ लो। अभी मैं 3 डायमेंशन करके ऐसा ड्रॉ करा रहा हूँ, अब मैं इसको एकदम सामने से देखूंगा तो मेरी ये जो प्लेट है ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। लेट्स से एकदम सिंपल ऐसी वाली प्लेट है, मैं सामने से देख रहा हूँ इसको, ठीक है, ये ऐसी वाली प्लेट है, सामने से देख रहा हूँ मैं, मतलब ये प्लेट पेज के बाहर भी आ रही है, पेज के अंदर भी जा रही है, और इसके ऊपर का जो चार्ज है, इसके ऊपर का जो चार्ज है उसकी डेंसिटी दी है सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसकी डेंसिटी दी हुई है, मतलब ये पूरी की पूरी ऐसी प्लेट है, बहुत बड़ी सी प्लेट है, और ये भी बहुत बड़ा, इधर भी मतलब लार्ज प्लेट है। तो अब मुझे बताओ इस लार्ज प्लेट में सेम डिस्टेंस पे, जैसे कि इधर, इधर के सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम, इधर के भी सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम, मतलब इक्वी डिस्टेंस पे। और आप देखोगे यहाँ पे मैं एक सिलेंडर बनाऊँ, मतलब मैं यहाँ पे आप देखोगे, मतलब मैं जो यहाँ पे, जो यहाँ पे ये जो है ना, ये फ्रंट व्यू देख रहा हूँ मैं, ये मेरा फ्रंट व्यू है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ना कुछ इस तरीके से मैं एक सिलेंडर ऐसे बनाता, ऐसे सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसे बनाता इसके अक्रॉस, तो ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखो ये सिलेंडर है ऐसे, मतलब यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये 3 डायमेंशन में ड्रॉ करूँगा तो ये सिलेंडर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसका सिलेंडर का यहाँ पे जो एरिया है, मैंने इस एरिया को बोला ए, ये भी एरिया सिलेंडर का जो है वो ए है, ए। मुझे बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पे क्या होगा, सेम ही होगा, कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आएगा, बाहर ही आएगा, क्योंकि प्लस के वजह से बाहर जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे इस सिलेंडर के अंदर यहाँ का जो एरिया था, यहाँ पे भी तो सिलेंडर था ना इसके अंदर, तो ये इधर जो चार्ज था, उस चार्ज की वैल्यू कितनी आई थी, चार्ज क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया, तो यहाँ पे जो चार्ज आया वो कितना है, सिग्मा इंटू एरिया आया, तो जो चार्ज आया इसके अंदर, जो क्यू इनक्लोज बोल सकते हैं अपन, तो यहाँ पे जो क्यू इनक्लोज आया वो सिग्मा इंटू एरिया आया, ठीक है। बस अब गॉसियन सरफेस लगा दो, गॉस लॉ लगा दो, एप्सिलॉन इंटू फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। अब जो फ्लक्स है वो कितना है, यहाँ का फ्लक्स कितना है, इसका एरिया यहाँ का ए है, इधर का भी एरिया ए है, तो इधर का फ्लक्स कितना है, ई इंटू ए, इधर का ई इंटू ए, इधर का ई इंटू ए, तो आंसर कितना है, 2E × A, ये टोटल फ्लक्स आया। और जो चार्ज इनक्लोज आया, चार्ज इनक्लोज की वैल्यू कितनी है, चार्ज इनक्लोज की वैल्यू आई सिग्मा इंटू ए, बस एरिया एरिया कट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा बाई 2 ε₀। देखो इसको ना डायरेक्टली याद रखना है अपने को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई वो कितनी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई यहाँ पे, हाँ आज 6 बजे तक लेक्चर है, 6 बजे तक लेक्चर है,
ठीक है। संतोष मिश्रा कोई बोल रहा है सर प्लीज़ टीच करंट इलेज, में करंट इलेज का लेक्चर डाला हुआ है वैसे, वो पूरा हो चुका है अपना, वो सारे लाइव लेक्चर यूट्यूब पे रखे हुए हैं, उसको देख सकते हो। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है आपको? मैंने आपको एक चार्ज डिस्क, कोई भी चार्ज डिस्क होती है, मैंने आपको ये फॉर्मूला भी डिराइव करवा के बताया था, जिसमें एंगल थीटा नॉट होता है, और बोलने वाला था लार्ज डिस्क के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आता है, यही तो आया ना गॉस लॉ से, आपको याद रखना है। तो कभी भी ध्यान में रखना, कोई भी ऐसी चार्ज प्लेट होती है, कोई भी एक प्लेट बताई मैंने आपको, तो ध्यान में रखना कोई भी प्लेट के वजह से, कोई भी प्लेट के वजह से, बड़ा सा थिन प्लेट, थिन प्लेट के वजह से सिग्मा, जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे वैल्यू होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितनी आती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देखोगे यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन में कहीं पे भी ये डिस्टेंस है ही नहीं, आर मेंशन ही नहीं है, देखो ये रेडी एक जो डिस्टेंस है आर मेंशन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान में रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी को प्रोड्यूस करना है, जनरेट करना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, चार्ज प्लेट यूज़ करेंगे, चार्ज प्लेट, बड़ा सा चार्ज प्लेट यूज़ करेंगे, उसके वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कुछ इस तरीके से। भाई गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वो अलग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तुम यहाँ पे पहले इतना देख लो, यहाँ पे ये समझ में आया इतना पहले, ठीक है। ये भी मैंने अपने वीडियोस में आपको मैंने करने के लिए बोला हुआ है, ये भी मैंने दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैंने कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, मैंने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ठीक है। फिर आपको मैंने कौन से फॉर्मूले, देखो अभी मैं एक काम करता हूँ पहले, अब जो भी मैंने यहाँ पे अब तक बताया, ठीक है, मैं पूरा का पूरा एक जगह पे लिखता हूँ, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, जो भी अभी गॉस लॉ में मैंने अब तक जो भी बताया उसका मैं एक छोटा सा, क्या क्या अपन ने क्या 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 याद आपको रखना है वो यहाँ पे देख लो, मतलब कौन से फॉर्मूलेज आपके दिमाग में रखने हैं, ठीक है। पहले कौन से फॉर्मूलेज आपके दिमाग में रखने हैं, और ये डायरेक्टली काम में आने वाले, ठीक है। पहले तो देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, कोई भी पॉइंट के क्यू बाय आर स्क्वेयर था, हो गया। फिर पॉइंट चार्ज के जैसा ही कोई और कौन सा चार्ज था, स्फेरिकल चार्ज था, राइट, ध्यान में रखना स्फेरिकल चार्ज में पूरा का पूरा चार्ज क्यू रहेगा और इसका रेडियस आर रहेगा, तो यहाँ पे दो टाइप के थे, व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन आर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वेयर था, व्हेन आर इज़ लेस देन आर, ध्यान में रखना ये दिमाग में रखना है, के क्यू आर डिवाइड बाय आर क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना याद रखना है आपको, ये जो भी मैंने यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे जगह पे ना डायरेक्टली काम आता है, और यही चीज़ ग्रेविटेशन में भी काम आएगा, मैं इलेक्ट्रो के बाद ग्रेविटेशन अभी ले सकता हूँ, मेरा और इलेक्ट्रो का लेक्चर उसके बाद मैं ग्रेविटेशन करवा सकता हूँ, ठीक है। अब तीसरा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसके बाद मैंने बहुत बड़ा सा लाइन था जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा थी, इनफाइनाइट लाइन था, उसके वजह से कोई भी डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 2k लैम्बडा डिवाइड बाय आर, ये भी डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन से भी याद था ही, राइट, इसको भी याद रखो, ठीक है। फिर फोर्थ अपन ने किया कोई भी बड़ा सा प्लेट, ठीक है, ये मैं ऐसे ड्रॉ किया है, आपको लगेगा वायर है लेकिन ये वायर नहीं है, प्लेट है, जो अपन ने एकदम लास्ट में किया, ये प्लेट है लेकिन ये थीन प्लेट है, बहुत बड़ा है, पेज के बाहर भी आ रहा है, पेज के अंदर भी जा रहा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई, सपोज इसका लीनियर मतलब चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2k लैम्बडा बाय आर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इतना आपको ना दिमाग में रखना है, इतना ना आपको याद रखना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत काम के, ये एक पेज पे आप लिख के रखो अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ये बहुत ही काम में आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स बहुत ही काम में आएंगे आपको। ठीक है, मुझे लगता है और एक क्वेश्चन अपना हो पाएगा,
फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। अब यहां पे देखो, ये जो प्लेट थी वो थिन प्लेट थी, राइट। अब मैं आपको यहां पे पूछता हूं थिक प्लेट, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, लेट्स से एक प्लेट है जो थिक है, थिक प्लेट मतलब अभी थ्री डायमेंशन प्लेट है, थिक प्लेट है, पूरा का पूरा सब जगह पे प्लस चार्ज, ऐसा मतलब चार्ज पूरा का पूरा भरा हुआ है, ऐसे चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। और लेट्स से इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस दिया हुआ है डी, ये थिकनेस है। अब बोला है कि भाई इसमें बाहर पॉइंट पी वन पे, ठीक है, और यहाँ पे एक सेंटर लाइन भी मैं ड्रॉ करता हूँ, ये सेंटर लाइन है ऐसे कुछ, ठीक है, ये सेंटर लाइन है उसकी, ये पॉइंट पी वन पे, चलो बाहर का पॉइंट मैं पी टू लेता था, ये पॉइंट पी टू है और अंदर का पॉइंट मैंने पी वन लिया, तो पॉइंट पी वन एंड पी टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है। ये डिस्टेंस एक्स है, या फिर मैं डिस्टेंस को आर पकड़ता हूँ, चलो ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस भी आर है। वो सॉलिड सिलेंडर जो है ना, अब मैं जो सॉलिड सिलेंडर का क्वेश्चन है, ये सॉलिड सिलेंडर का क्वेश्चन जो है, ये एक्चुअली मतलब ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब सॉलिड सिलेंडर के ऊपर डायरेक्टली एच सी और वगैरह में देखेगा तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन ही मैंने वीडियो में बताया हुआ है, तो उसको तो मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, ठीक है। तुम मुझे पहले बताओ यहाँ पे ये थिक प्लेट के वजह से पॉइंट पी वन एंड पी टू पे क्या रहेगा, कैसे करोगे? चलो मुझे लगता है ये दिक्कत तो हुआ होगा आपका, मैं थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ इसको। अब देखो पॉइंट पी टू पे एंड पी वन पे क्या करेंगे, तो अपने को क्या करना है, चलो पॉइंट पी टू पे पहले करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ ये थिक प्लेट है, थिक प्लेट है इसका मतलब थ्री डायमेंशन, इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा, ये रो आएगा, ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ध्यान में रखना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे दी है, कितनी दी है, रो। अब मेरे को बोलता है भाई पॉइंट पी टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पॉइंट पी टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे पहले गॉसियन सरफेस एक ऐसा सिलेंडर बनाना पड़ेगा, मैं ऐसा सिलेंडर बनाऊंगा जिसका यहाँ पे एरिया ए होगा, इधर का भी एरिया ए होगा, लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा, ऐसा बाहर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ई होगी, इधर भी ई होगी। जो चार्ज आएगा वो चार्ज ये वाला आएगा, देखो ये पूरा का पूरा चार्ज। तो अब मुझे बताओ इस केस में गॉस लॉ लगाने गए, एप्सिलॉन इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। गाइस नीट वगैरह के लिए सब कुछ काम का नहीं है, ठीक है, नीट और जो नॉर्मली एग्जाम्स दे रहे हैं मतलब सीईटी वगैरह के लिए दे रहे, तो ये वाला चीज़ जनरली नहीं पूछते, ठीक है, आप चिल आउट मार सकते हो, लेकिन देखो जरा मैं आपको बताऊंगा पूरा इलेक्ट्रो जब कंप्लीट हो जाएगा मैं बताऊंगा कि नीट वालों के लिए कौन सा पार्ट है और कौन सा पार्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नीट वालों के लिए एक अराउंड जो हम लोग पढ़ने वाले उसके 30% टू 40% ही है, खुशी की बात है, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं वो चीज़, ठीक है, नहीं तो फिर आप लेक्चर अटेंड नहीं करते। अब एप्सिलॉन इनटू फ्लक्स, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स, अब यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ई ए तो कितना आएगा, 2 इंटू ई इंटू ए। अब चार्ज इनक्लोज्ड, यहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा, यहाँ पे जो अंदर इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो कितना है, ठीक है, डेंसिटी, पूरा डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये यहाँ पे देखो देखो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा सिग्मा इंटू पाए, ठीक है, सपोज एक मिनट पाई की वैल्यू नहीं क्योंकि इसका एरिया ए है और थिकनेस डी है, तो मुझे सर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू डी। देखो ना यहाँ पे इसका जो चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, डेंसिटी सॉरी सिग्मा नहीं बोल रहा हूँ मैं, डेंसिटी मतलब रो इंटू क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ए इंटू डी ना, दिस माई वॉल्यूम, ठीक है, ये डायरेक्टली हो जाएगा कितना, चार्ज इनक्लोज्ड जो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे ए ए कैंसिल हो गया, तो मुझे होता जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई वो कितनी आई, डेंसिटी इंटू डी डिवाइड बाय क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब मुझे होता इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉइंट पी टू पे तो आ गया,
तो ये जो मैंने लिखा है वो क्या है, फॉर पॉइंट पॉइंट पी टू, ये पॉइंट पी टू के लिए था। वॉट अबाउट पॉइंट पी वन, पी वन के लिए क्या होता? देखो यहाँ पे पी वन के लिए क्या होता, देखो यहाँ पे थिकनेस में वापस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पे ये थिकनेस है डी, ये अंदर वाला अपना सेंटर लाइन है, ये सारा पूरा का पूरा ऐसा पूरा का पूरा चार्ज भरा हुआ है यहाँ पे, सब जगह पे चार्ज भरा हुआ है यहाँ पे, ये सब चार्ज भरा हुआ है। अब मुझे चाहिए कोई पॉइंट पी वन जो यहाँ पे है, जो कि डिस्टेंस सपोज वापस आर पे है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस तरीके से कुछ बनाऊँगा ना सिलेंडर, ये भी डिस्टेंस आर पे ही बनाऊँगा मैं, इस तरीके से सिलेंडर बनाया। अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ई होगा पॉइंट पी पे, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, तो बस वापस यहाँ पे क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे, एप्सिलॉन इनटू फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स की वैल्यू ई, सपोज इसका एरिया जो है इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स ई इंटू ए, लेकिन टू टाइम्स, तो टू इंटू ई इंटू ए बराबर। अब चार्ज इनक्लोज क्या होगा, चार्ज इनक्लोज इतना वाला होगा, ये वाला चार्ज होगा। अब ध्यान में रखना, चार्ज इनक्लोज के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस। अब देखो यहाँ पे ये थिकनेस आर है और ये भी आर है, तो कितना हुआ थिकनेस, कितना हुआ टू आर, आर प्लस आर कितना टू आर, तो टू और टू कैंसिल हो गया, ए और ए कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, आर डिवाइड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया देखो यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखोगे आप लोग इसका, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मैं प्लॉट करने गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस में प्लॉट करने गया, तो आपको पता है क्या होगा, अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर, वो तो कुछ इस तरीके से होगा, कब तक, जब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी की नहीं हो जाए, डी बाई टू की ना हो जाए, थिकनेस यहाँ पे थिकनेस डी बाई टू है ना, मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाए, डी बाई टू, देखो ना यहाँ पे ये जो चीज़ है डी बाई टू है, ध्यान में रखना ये सब एडवांस के लिए जनरली, ठीक है, और जेई मेंस के अच्छे लेवल के लिए है। अब यहाँ पे डी बाई टू के बाद, डी बाई टू के बाद जब बाहर हम लोग घुसे निकलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सॉरी जब हम लोग बाहर निकलेंगे तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट, ये पूरा का पूरा वैल्यू ही कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐसे कॉन्स्टेंट हो जाएगा, देखो यहाँ, और इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो आएगी ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर थिक प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक प्लेट, ठीक है। कुछ कुछ लोग इसका आंसर्स दे रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि ये थोड़ा सा अच्छा वाला चीज़ है, तो मैंने आपको जो पांच फॉर्मूले बनाए, मतलब 1 2 3 4 आपको याद रखने हैं कुछ भी करके, ये फिफ्थ फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट मैं आपको यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दो क्वेश्चंस देता हूँ, ये तो ये आपको जिसको लिखना है वीडियो को वापस देख लो और पूरा का पूरा नोट डाउन भी करके रखो, ठीक है। मैं आपको दो क्वेश्चन देखे होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, सब लोग देखो होमवर्क के क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन, एक बड़ा सा सिलेंडर है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एक बड़ा सा सिलेंडर है, ठीक है। अब ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, इसके मतलब पूरे के पूरे अंदर पूरा का पूरा ऐसा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और इसका जो डेंसिटी है वो है रो, बोला है कि ये सेंट्रल एक्सिस है कुछ इस तरीके से, ये सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस से ये सपोज पॉइंट पी वन इधर है और पॉइंट पी टू बाहर है, तो दोनों जगह पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पॉइंट पी टू पे और पॉइंट पी वन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी टू, ये तो इवन मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो ठीक ही है, ये तो क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर दोगे। क्वेश्चन टू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टू है, वापस देखो यहाँ पे एक सिलेंडर है, वही बड़ा सा सिलेंडर है, तो मैं सिलेंडर को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये बड़ा सा सिलेंडर है यहाँ पे, ये बड़ा सा सिलेंडर है, ठीक है, वापस पूरा का पूरा चार्ज इसमें भरा हुआ है ऐसे,
ठीक है, पूरा का पूरा चार्ज इसमें भरा हुआ है, इसे प्लस प्लस सब सब चार्ज भरा हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या किया है इन्होंने, अंदर इतना में जो यहाँ पे जो स्फीयर ड्रॉ किया है ना, ये जो है ये बाहर पूरा का पूरा ऐसा प्लस चार्ज था, और लेट्स से ये सिलेंडर का एक्सिस है एग्जैक्टली ये वाला, ठीक है, ये सिलेंडर का एक्सिस है, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो इधर का जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है लेट्स से 2R, सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है 2R, स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है आर, ये कैविटी है, ये कैविटी है, मतलब इस सिलेंडर में एक कैविटी बनाया हुआ है, स्फेरिकल कैविटी, और बोला है इसी लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट का वैल्यू जैसे 3R ले लो डिस्टेंस, इधर से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है, चलो ये डिस्टेंस पूरा का पूरा 3R पकड़ लो, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पूछा है, ध्यान में रखना, मतलब एक सिलेंडर है उसके अंदर एग्जैक्टली कैविटी है और ये सेंटर सिलेंडर का एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये मुझे लगता है ये शायद से 2016 JEE एडवांस का क्वेश्चन है, सिंपल है, जो भी मैंने आपको बताया ना उसके हिसाब से करना है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो पहले ये वाला निकालो फिर ये वाला निकालो, 2016 या 17 मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, ठीक है, तो इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, डाउट सॉल्विंग जब मैं करूँगा तब मैं इनके सबके आंसर्स में आपको बताऊँगा, ठीक है, जो आपको नहीं आ रहे होंगे उनके, मैंने पिछले बार भी एक एडवांस का क्वेश्चन बताया था उसका भी मैं आंसर बताऊँगा, तो मैं बस इतना ही करता हूँ, मैंने आपको बोला था आज मैं लेक्चर जल्दी ख़त्म करूँगा, ठीक है, तो पहले इतना ही है, तो गॉस लॉ अपना ख़त्म हो चुका है, अभी आपको एक काम करना है, एचसी वर्मा का भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एचसी वर्मा के क्वेश्चन सबको करने हैं, जो मैं एचसी वर्मा का होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सबको करने हैं, ठीक है, और इसका भी मैं बाद में ये कर लूँगा, मैं होमवर्क क्वेश्चन लिखता हूँ एचसी वर्मा, एचसी वर्मा, और पेज है 141, पेज नंबर 141-142, इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर लो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा आप सोचना है, 5, 6, 7, 8, 11, सब अपना हुआ है, जो भी मैंने किया है ना, आप देखोगे एच के सारे क्वेश्चन आप करना चालू करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, और कोई क्वेश्चन के अटक पे मत रहो, आगे आगे चलते रहो, 11, 12, 14, 16 जो क्वेश्चन है ना वही अपना सिलेंडर का क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन जो मैंने सिलेंडर का दिया वही क्वेश्चन है, 16, 17 अपना लार्ज प्लेट का क्वेश्चन है, आप देखोगे वही क्वेश्चन है सेम, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
शर्मा से भी करना है, ये गॉस लॉ के ऊपर का क्वेश्चंस है। और निकलते निकलते एक छोटा सा मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी है गाइस, जिनको ना धर्मन का कॉल आ गया। हाँ धर्मन, हेलो, तो गाइज एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको भी या डोंट अंडरस्टिमेट द 5 मिनट, नहीं टेंशन मत लो, अभी ख़त्म मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। जिनको भी ऐसा लगता है कि मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि आपको वीडियोज़ को बार बार देखो
भाई अपना फिजिक्स में वीडियोस बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग क्यों, मैं जूम पे लेक्चर आपका क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आप उसको 5 बार 10 बार देख सकते हो, ठीक है। जूम पे अपन डाउट सॉल्विंग करेंगे, तो जब भी डाउट सॉल्विंग का लेक्चर होगा हम लोग जूम पे करेंगे, कितने भी लोग हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जूम पे डाउट सॉल्विंग करेंगे और लेक्चर अपने इस पे रहेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग, बाय बाय। इसको भी वो कर लेता हूँ, हाँ मैं आगे और कितना वीडियोस देखना है आगे का वीडियोस, अभी पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस और वो सब कुछ आपको ख़त्म करना है, मतलब पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको भेज दूंगा, आपको ग्रुप में भेज दूंगा कहाँ तक देखना है, ठीक है, बाय।